क्या आप जानते हैं शैतान कैसे बना? शैतान की तरकीबें क्या है? शैतान विश्वासियों को किस तरह धोखा देता है? परमेश्वर अपने उद्देश्यों के लिए किस तरह शैतान का उपयोग करता है? आप शैतान पर हमेशा किस तरह विजयी हो सकते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इस पुस्तक को सुनिए। अपने शत्रु को जाने। शैतान पर विजय होने के लिए जवानों के लिए मार्गदर्शिका। लेखक जैक पुनन। सर्वाधिकार सुरक्षित। इस पुस्तक का गलत उपयोग न हो इसलिए इसके सर्वाधिकार सुरक्षित है। इसे लेखक के लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना इसका पुनर्मुद्रण या अनुवाद नहीं किया जा सकता। ये पुस्तक और आप। इस पुस्तक में वो संदेश है जो जवान विद्यार्थियों के एक बड़े समूह को दिए गए थे। संदेशों को उनके मूल रूप में ही रखा गया है। इन दिनों जवान लोग शैतान के हमले के निशाने पर हैं। शैतान ये निश्चित करना चाहता है कि आज के जवान अशुद्धता, कड़वाहट, ईर्ष्या, स्वार्थी अभिलाषा और भौतिकवाद द्वारा भ्रष्ट किए जाए, और यदि इनमें से किसी के द्वारा नहीं तो कम से कम घमंड, स्वधर्मी और पाखंड के द्वारा। हमें शैतान के किसी भी योजना या छल से अनजान नहीं रहना चाहिए। शैतान हमारे प्रभु यीशु के द्वारा कलवरी यानी क्रूस पर हरा दिया गया था। अब हमारी बुलाहट यह है कि हम अंधकार की ताकत पर प्राप्त उस विजय को जहां जहां हम जाते हैं वहां घोषित करें। यदि आप ऐसा करने के लिए इच्छुक हैं, तो इस पुस्तक को सुनिए। अध्याय एक। आपको शैतान के विषय जानना क्यों जरूरी है? परमेश्वर के वचन से मैं आपको कुछ ऐसी सच्चाइयां बताना चाहता हूं जो आप जवानों ने पहले कभी नहीं जानी होगी। इसका संबंध हमारी आत्माओं के शत्रु से है। आपने उद्धार के विषय में बहुत कुछ सुना है, और इस विषय में भी कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, परंतु आपने शैतान के विषय में कुछ अधिक नहीं सुना होगा, क्योंकि अधिकांश प्रचारक शैतान के विषय में प्रचार करना नहीं चाहते। मैं शैतान के विषय में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि एक पत्रस 5:8 में बाइबल हमें बताती है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से ये एक है कि आप अपने शत्रु को जानें। यदि आप कोई युद्ध लड़ रहे हैं और आपके पास आपके शत्रु के विषय में काफी जानकारियां हैं, तो वे युद्ध को काफी आसान बना देती है। यदि आप अपने शत्रु के विषय में बहुत कम जानते हैं तो युद्ध ज्यादा कठिन होगा। या एक अन्य उदाहरण, यदि आपको पहले से ही पता चल जाए कि आपकी परीक्षा में कौन से प्रश्न आने वाले हैं, तो आपके लिए परीक्षा काफी आसान हो जाएगी। यही बात मसीही जीवन में होती है। यदि आप अपने शत्रु को जानते हैं तो आप उस पर हावी हो सकते हैं और हर परीक्षा में जयवंत से भी बढ़कर हो सकते हैं। ऐसे मसीह है जो मसीह का अनुकरण करने में जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं, परंतु असफल रहते हैं। मेरा ख्याल है कि इसका एक कारण ये हो सकता है कि वो उनके शत्रु के विषय में कुछ नहीं जानते। हम सब जानते हैं कि चिकित्सा का अध्ययन महत्वपूर्ण है। हमारी ही पीढ़ी में चिकित्सा विज्ञान ने लाखों लोगों को बीमारियों से चंगा किया है और कई लोगों को असमय मृत्यु से बचाया है। ये इसलिए संभव हो सका क्योंकि वैज्ञानिकों ने मानवीय शरीर के शत्रुओं के विषय में
सब कुछ अध्ययन किया है और शरीर पर हमला करने के तरीकों का भी अध्ययन किया है। ये बैक्टीरिया, जीवाणुओं और विषाणुओं का भी उन्होंने अध्ययन किया है जो मानवीय स्वास्थ्य के शत्रु है। गहन अध्ययन द्वारा ये संभव हुआ कि मनुष्य का स्वास्थ्य सुधरा है। वैज्ञानिकों ने ऐसी दवाइयां खोज निकाली है जो स्वास्थ्य के शत्रुओं को मार सकती है और उन्हें मानवीय शरीर के बाहर निकाल सकती है। जो बात हमारे भौतिक शरीर के विषय में सत्य है, वही बात हमारी भीतरी आत्मा के विषय में भी ज्यादा सत्य है। हमें शैतान के विषय में भी अध्ययन करने की आवश्यकता है जो हमारी आत्मा का शत्रु है, लेकिन तभी जब हम उसे अपनी आत्मा से निकालना चाहते हैं और आत्मा को परमेश्वर के लिए शुद्ध रखना चाहते हैं। बाइबल हमें शैतान के विषय में बहुत कुछ बताती है। वास्तव में जैसे ही परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, उसके तुरंत पश्चात बाइबल शैतान के विषय में कहती है। बाइबल हमें इस विषय में कुछ नहीं बताती कि आदम और हव्वा ने अदन की बारी में क्या किया, परंतु वह ये स्पष्ट रीति से बताती है कि शैतान बारी में संदेह और पाप और दुविधा को ले आया और आदम और हव्वा को परमेश्वर से दूर कर दिया। आज संसार में सभी पाप और हिंसा और जो बुराइयां पाई जाती है, उन सब का कारण अदन में शैतान का प्रवेश है। उत्पत्ति अध्याय 3। पुरुष और स्त्री की रचना के तुरंत बाद बाइबल हमें शैतान के विषय क्यों बताती है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम शैतान के विषय में जाने, ताकि हम सतर्क रह सके। हमने देखा कि शैतान गरजने वाले सिंह के समान घूमता रहता है और देखते रहता है कि किसे फाड़ खाए। यदि समाचार पत्र ये बताए कि प्राणी संग्रहालय से एक सिंह बाहर निकला है और आपके शहर की सड़कों पर फिर रहा है, तो वह शहर के किस इलाके में है ये जानना सहायक नहीं होगा ताकि आप उस क्षेत्र में जाने से बच जाए? निश्चित रूप से आप यही चाहेंगे। उसी प्रकार यदि आप उन क्षेत्रों को जान ले जहां शैतान क्रियाशील है, तो ये जानकारी आपको कई समस्याओं से बचा सकती है। कई विश्वासी निराशा के दौर से बार बार गुजरते हैं। हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि निराशा कभी भी परमेश्वर के पास से नहीं आती, वो हमेशा शैतान की ओर से ही आती है। इसी प्रकार कलह, हिंसा, घृणा, ईर्ष्या, कड़वाहट, बुराई करना, शिकायत करना, कुड़कुड़ाना, अधिकारी के विरुद्ध विद्रोह और हर प्रकार की बुराइयों के अन्य रूपों का मूल शैतान ही है। हमारे शत्रु के विषय में जानना अच्छा होता है ताकि हम अपने जीवन में इन बुराइयों पर विजय पा सके। नए नियम के शुरुआती पृष्ठों में भी हम शैतान के विषय में पढ़ते हैं। यीशु के पानी में बपतिस्मा और पवित्र आत्मा के द्वारा उसके अभिषेक किए जाने के तुरंत बाद हम जंगल में शैतान द्वारा उसका सामना और परीक्षा के विषय में पढ़ते हैं। हमें शैतान द्वारा यीशु की परीक्षा के विवरण क्यों दिए गए हैं? ताकि हम अपनी आत्मा के दुश्मन के छल और बल के विषय में अनजान न रहे। जवानों के लिए ये महत्वपूर्ण बात है कि वे शैतान के विषय में जाने, क्योंकि एक बार जब आप जान लेते हैं कि शैतान के विषय में बाइबल क्या सिखाती है, तो आप सावधान रहेंगे और फिर आप उससे नहीं डरेंगे जैसे कि कई लोग डरते हैं। कई लोग शैतान से डरते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि बाइबल शैतान के विषय में क्या सिखाती है। वो उन पर लोगों के द्वारा किए जाने वाले जादू टोने से डरते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि शैतान को हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर हरा दिया गया था। यदि आपकी आंखें इस विषय में खुल जाए
कि प्रभु ने क्रूस पर हमारे लिए क्या किया है, तो आप फिर कभी भी शैतान से नहीं डरेंगे। कभी कभी शैतान दुष्टात्मा ग्रस्त लोगों के द्वारा मसीह स्वभाव में बाधा डालने की कोशिश करता है, जैसे कि उसने आराधनालय में किया था जहां यीशु ने प्रचार किया था। लेकिन शैतान को कभी भी ऐसा नहीं करने देना चाहिए। एक बार हमारे सभागृह में हमारी बाइबल अध्ययन की सभा के मध्य एक दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति सांप की तरह रेंगता हुआ मंच के सामने पहुंचा और सभा में बाधा डालने की कोशिश करने लगा। जब दुष्टात्मा को यीशु के नाम से डांटा गया तो वह व्यक्ति वही फर्श पर गहरी नींद में सो गया। जब बाइबल अध्ययन समाप्त हो गया और हम सब ने अंतिम बार आमीन कहा, तब वह उठ गया। तब हमने उससे बातें की। हम शैतान को उसके किसी भी एजेंट द्वारा हमारे बाइबल अध्ययन में दखल देने की अनुमति नहीं देने वाले थे। एक अन्य आम सभा में जो खुले क्षेत्र में हो रही थी, एक व्यक्ति पुलपिट के सामने आकर अचानक नाचने लगा। ठीक उसी समय जब मैं कुछ अति महत्वपूर्ण बात कह रहा था, जब मैंने अनुवादक के माध्यम से उसे बैठने को कहा तो उसने मेरे आग्रह को ठुकरा दिया। फिर हमने उस व्यक्ति में समाई हुई दुष्टात्मा को यीशु के नाम से डांटा और वह व्यक्ति जाकर शांत रीति से बैठ गया। हाँ, दुष्टात्मा को आज्ञा का पालन करना ही पड़ता है जब उन्हें यीशु के नाम से डांटा जाता है, क्योंकि उन सबको यीशु के द्वारा कलवरी पर हरा दिया गया है। ये बात जानना महत्वपूर्ण है कि यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में शक्ति है जिसने कलवरी के क्रूस पर शैतान को हराया है। आपको शैतान से कभी भी डरना नहीं चाहिए। जब आप अपने शत्रु को नहीं जानते, आप इस भय में जीते हैं कि वह आपको किसी न किसी तरह कुछ नुकसान पहुंचाएगा। परंतु यदि आप यीशु को अपने पूरे जीवन का प्रभु होने की अनुमति देते हैं तो वह आपको कभी छू भी नहीं सकता, क्योंकि शैतान से उसकी सारी शक्ति उस समय छीन ली गई थी जब यीशु ने उसे क्रूस पर पराजित किया था।